प्रेम शुक्ला जी, क्या दूध के धुले हुए हैं ये लोग? आज ये बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने में इनका कोई रोल नहीं। इफ्तिकार मिसगर साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। डिबेट में प्रेम शुक्ला जी के बाद उनके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, ये तो दूध के धुले हुए हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, देश के हित की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में यह हालात क्यों? चीन और पाकिस्तान की तरफ क्यों उठाकर नजर देखा जा रहा है कि 370 वापस आ जाएगा? देखिए दीपक जी, पहले से ही राष्ट्रद्रोही, धर्मांध और हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ में संधान करके भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता वहां के राजनीतिक दलों की रही है। और जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी से निर्वासित किया गया, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, कश्मीरी पंडितों के हिंदू धर्म स्थलों का विध्वंस किया गया, तो उन सारे विध्वंस में, उन बलात्कार की घटनाओं में वहाँ सिर्फ आतंकवादी नहीं शामिल थे, आतंकवादियों के समर्थन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी पूरी तरह से संलिप्त थे। और कृपा करके बता दें कि किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने कश्मीरी पंडितों को पलायन करने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार का सार्थक प्रयास किया हो? कोई भी सार्थक प्रयास किसी भी कश्मीर के क्षेत्रीय दल द्वारा, जो राजनीतिक दल रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो जो अलगाववादी है उसके अतिरिक्त भी, किसने जो है कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन ना होने पाए, इसके लिए सक्रियता किस दल ने दिखाई थी, कब दिखाई थी, कौन सी घटना ऐसी है? तो कोई घटना इस प्रकार की नहीं है। तो इनके मन में कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था तो क्या वो क्रूर सांप्रदायिकता नहीं थी? क्या वो बर्बर सांप्रदायिकवाद नहीं था? क्या वो बर्बर धर्मांधता नहीं थी? उस धर्मांधता के शिकार वहां के आवाम को बनाया नहीं गया क्या? क्या मस्जिदों से ऐलान नहीं हुए थे? और क्या मस्जिदों का दुरुपयोग नहीं किया गया था? जब मस्जिदों का दुरुपयोग किया गया, राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें संलिप्त हुए, जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे अलगाववादी संगठनों ने आतंकवादियों को सीधे सीधे समर्थन घोषित किए, तब उसके बाद आप कहां से कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है? मैं इसी सवाल का जवाब इफ्तिकार मिसगर साहब से लेता हूं। इफ्तिकार जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप बोल रहे हैं बीजेपी ने कम्युनल बनाया, पर कश्मीरी पंडितों को निकालना शुरू होना, मिलिटेंसी की वो स्ट्रैटेजी की कश्मीरी पंडितों को निकाल दें, आप लोगों ने मिलकर सामूहिक तौर पर यहां की प्रॉब्लम को सांप्रदायिक प्रॉब्लम नहीं बना दिया पॉलिटिकल से? देखिए, जहां तक मैं थोड़ा सा समय ले लूंगा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा प्लीज, अनइंटरप्टेड। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है और जहां तक अभी इन्होंने यहाँ पे बात करी कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ के वर्करों ने, सियासी वर्करों ने, वो हिस्सेदार बन गए उन पावर्स के जिन्होंने कश्मीरी पंडित को यहाँ पे बता दिया, ये आग फैला रहे हैं कश्मीरियों के मुखालिफ पूरे देश में। जो कश्मीरी बच्चों की फिर लिंचिंग होती है वो इन्हीं बातों से होती है। इनको ग्रेज करना चाहिए और हजार बारी सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किनको हम दोषी ठहरा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने भारत माता की जय पे लोगों को लिंच नहीं किया? ये कश्मीरियों की आदत नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे किसी के प्रवक्ता नहीं है। ये मैंने आपकी बात सुनी, आप ही मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। आपने, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है गुपकार डिक्लेरेशन पे, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन ने कल को बोला था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज इलेक्शन में आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुपकार वालों को जम्मू में जुलूस करने का इजाजत नहीं दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको स्टार्ट नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया इलेक्शन कर लड़ने के लिए? बी पार्टी और सी पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी, जिसमें कश्मीर को डंप करके रखा हुआ है। कश्मीरी आज भी परेशान है।